अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो का F15। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आज आपको बताएंगे कि इसकी लॉन्च डेट क्या होने वाली है पाकिस्तान में, क्योंकि ये फ़ोन इंडिया में तो लॉन्च हो चुका है और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं और प्राइस के बारे में भी बात करेंगे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर क्या होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना आपने। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ओएस की बात करेंगे। इसमें आपको ओएस मिलेगा एंड्रॉयड का 9.0। अगर हम इसमें डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 6.4 इंच का डिस्प्ले होगा जो कि वाटर ड्रॉप नोच के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको प्रोटेक्शन भी दी गई है डिस्प्ले की जो कि ग्रीला ग्लास 5 की है। अगर हम इसमें स्टोरेज और रैम की बात करें, 8 GB आपको रैम मिलेगी और 128 GB स्टोरेज दे रहा है फ़ोन ये। इसमें जो CPU यूज़ किया गया है वो है ओक्टा कोर का 2 GHz स्पीड वाला। जो चिपसेट है इसमें वो है MediaTek का P70 जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड है। अगर हम इसमें कैमरास की बात करें तो बैक में आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा होगा 48 MP का, 8 MP का और सेकंड कैमरा, और इसके बाद 2 कैमरे हैं वो 2 MP के होंगे, यानी कि दोनों कैमरे 2-2 MP के होंगे। फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा मिलेगा और इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको डिस्प्ले के अंडर मिलेगा, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो इसी में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप गेमिंग के लिए बात करें तो जायरोस्कोप वगैरह तमाम सेंसर्स इसमें अवेलेबल होंगे। अगर हम इसमें बैटरी की बात करें, 4025 mAh की बैटरी जिसको आप 20 W फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज कर सकते हैं। सबसे जो मेन फीचर है इसका वो कैमरा है जो कि 48 MP, काफ़ी अच्छी इससे आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस होगी पाकिस्तान में तकरीबन इसकी प्राइस 40,000 से ऊपर होगी, क्योंकि इंडिया में जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 20,000 के राउंड अबाउट है, तो पाकिस्तान में 40-45,000 के करीब इसकी प्राइस हो सकती है। तो अगर लॉन्च डेट की बात करें तो ये फ़ोन इंडिया में तो लॉन्च हो चुका है, पाकिस्तान में ये फर्स्ट क्वार्टर में आ सकता है, यानी कि जो इसी 2020 के जो फर्स्ट 3 मंथ हैं उनके अंदर अंदर ही पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा ये फ़ोन, इस मंथ के आखिर पर या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा। अगर आप कोई भी मोबाइल के रिलेटेड या फिर टेक न्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।